दोस्तों, राजस्थान भारत का बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक वाला राज्य है, जहां आज भी लोग पूजा अर्चना में बहुत विश्वास रखते हैं। राजस्थान अपने दर्शनीय मंदिर, ऐतिहासिक किलों, भव्य इमारतों और आकर्षित पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करता है। राजस्थान के फेमस मंदिरों का निर्माण वर्षों पूर्व राजा महाराजाओं द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के 10 प्रमुख मंदिरों के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल छोटू नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आगे के वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिड़ला मंदिर। राजस्थान के जयपुर में मोती डंगरी पर्वत के नीचे स्थापित बिड़ला मंदिर लक्ष्मी नारायण को समर्पित बहुत ही आकर्षक मंदिर है। बिड़ला मंदिर का निर्माण सन 1998 में बिड़ला परिवार द्वारा किया गया था। बिड़ला मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। इस प्रसिद्ध मंदिर में 3 गुंबद बने हुए हैं, जो कि 3 प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। गलताजी मंदिर। दोस्तों, गलताजी मंदिर राजस्थान के जयपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। गलताजी मंदिर अरावली पहाड़ियों में स्थित पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। गलताजी मंदिर गुलाबी पत्थरों से निर्मित है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में बंदरों की अधिकता है। गलताजी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर 7 कुंडों के लिए जाना जाता है। करणी माता मंदिर। बीकानेर का यह मंदिर देवी दुर्गा के अवतारों में से एक करणी माता को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 25,000 से भी अधिक काले चूहों के लिए जाना जाता है। यह मंदिर चूहे के मंदिरों के नाम से भी फेमस है। करणी माता के इस मंदिर को पत्थरों और संगमरमर से तराशा गया है। यह स्थान यहाँ रहने वाले चूहों की घनी आबादी के लिए भी जाना जाता है। कालिका माता मंदिर। दोस्तों, कालिका माता मंदिर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ में स्थित बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कालिका माता मंदिर देवी काली को समर्पित बहुत आकर्षणों से भरा हुआ है। कालिका माता मंदिर प्रतिहार राजपूत वंश के शासन के समय बनवाया गया था, जो कि बहुत ऊंची चट्टान पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी संग्रहित है और यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। रानी सती मंदिर। दोस्तों, रानी सती मंदिर राजस्थान के प्रमुख प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो कि राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रानी सती ने अपने पति की मृत्यु के बाद आत्मदाह कर लिया था। तब से ही रानी सती राजस्थान के इतिहास में दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है। रानी सती मंदिर संगमरमर से बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। अंबिका माता मंदिर। यह आकर्षक मंदिर माता दुर्गा के अंबिका रूप के लिए समर्पित है। लगभग 10वीं शताब्दी के दौरान बने इस मंदिर की संरचना इतनी आकर्षक है कि यहाँ श्रद्धालुओं से ज्यादा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के बाहरी प्रांगण में देवी देवताओं की विभिन्न मूर्तियां, दरबार नर्तक, संगीतकार और अप्सराओं के चित्र मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। ब्रह्मा मंदिर। दोस्तों, राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर बहुत ही आकर्षक धार्मिक पर्यटन स्थल है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी को समर्पित भारत का एकमात्र मंदिर है। यह मंदिर 14वीं शताब्दी में ऋषि विश्वामित्र द्वारा बनवाया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस मंदिर के स्थान पर यज्ञ करवाया था, इसलिए यहाँ पर संगमरमर से बने इस मंदिर को बनवाया गया है। संगमरमर से बने इस मंदिर के बाहर पवित्र पुष्कर झील भी बहती है। श्री महावीर जी मंदिर। दोस्तों, राजस्थान के जैन मंदिरों में से एक प्रसिद्ध करौली में स्थित श्री महावीर जी मंदिर है। श्री महावीर जी जैन मंदिर के क्षेत्र में 5 मंदिर, अथिया क्षेत्र श्री महावीर जी, भगवान पशर्वनाथ जिनालय, शांतिनाथ जिनालय और कीर्ति आश्रम चैताल्य स्थित है। ये सभी मंदिर अपनी अलग अलग विशेषता रखते हैं। इन सभी मंदिर की बनावट पर्यटकों को और भी अधिक अपनी तरफ आकर्षित करती है। अचलेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के शासकों द्वारा 9वीं से 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस मंदिर में पत्थर से बनी एक विशाल शिवलिंग के साथ भगवान नंदी की 5 धातु से निर्मित
बहुत आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के क्षेत्र में एक गड्ढा है जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार नरक में जाने का मार्ग कहलाता है। अचलेश्वर महादेव मंदिर आकर्षक और आश्चर्य का घर है जिसमें एक छोटा तालाब भी स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर। दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित बहुत ही आकर्षक जैन मंदिर है। खंभों, पैनलों और दरवाजों पर जटिल संगमरमर की नक्काशी दर्शकों को बहुत मोहित करती है। दिलवाड़ा मंदिर 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच जैन के दो मुख्य मंत्रियों विपुल शाह और वास्तुपाल तेजपाल द्वारा बनवाया गया था।